सैंथन रॉय जो कि इस मैच के रेफरी हैं, बारी की नजर रखे हुए हैं सभी खिलाड़ियों पर और बहुत ही सुंदर निर्णय अभी तक रहा। नौ नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी विदेशी मूल के हेरी जो कि नौ नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी हैं पाकिस्तान का अयोध्या तीन पहाड़ की टीम से। और चुन्ना जो कि अयोध्या तीन पहाड़ के नियमित खिलाड़ी हैं, जब जब इस मैदान पर अयोध्या की टीम ने प्रवेश पाई है हर बार चुंडा उस टीम से शामिल हुए हैं। फिलहाल राइट आउट के खिलाड़ी सायदन बहुत ही टैलेंटेड फुटबॉलर है, काफी यंग खिलाड़ी है। और जर्सी नंबर 8 इस समय सिसई क्यों खेल रहे हैं, अनिल किसको खेलते, एक मक्का बन सकता है। और 17 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी को आप देख पा रहे हैं बाबू ठाकुर को, और इस खिलाड़ी के नाम से निश्चित ही हम सब परिचित हैं, जय हिंद क्लब पेट आशा में यह सीरीज के रूप में एक मोटरसाइकिल को भी मोटरसाइकिल मिल चुका हुआ खिलाड़ी है। और जहां तक बात करें एफसी ब्रदर टीम पाकुड़, इसमें बहुत बड़े बड़े और रक्षक पंक्ति एफसी ब्रदर पाकुड़ तैयार, जबकि गोलकीपर गोपी हो रहा बहुत ही क्षमतावान खिलाड़ी है। इस गोलकीपर में वो पोटेंशियल है, वो क्षमता है जो किसी भी तरीके के आक्रमण को और सुंदर मौका स्टीफन टुडू का आक्रमण था। बाबूता अपने सहयोगी खिलाड़ी जर्सी नंबर 10 को दिया था, जर्सी नंबर 10 आउटर कुर्सी। लाल कुर्सी जी के पास और फिलहाल यहां पर स्टीफन टुडू 17 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी सैलंदर के लेगे इनको बढ़ाया। और हम से एक और गोल दाग सकते हैं, जर्सी नंबर 3 जिस तरह से उनको टैकल किया था। Thank you.
और फ्री किक का बहुत ही सुंदर मौका। एफसी ब्रदर टीम पाकुड़ अपने गोल को और ज्यादा बढ़त को बढ़ाने के लिए 1-0 की बढ़त फिलहाल उनके पास है और गोलकीपर का बहुत ही सुंदर और शॉट जर्सी नंबर 8 पहने हुए इस मैच में इस टूर्नामेंट के उद्घाटन गोल दागने वाले खिलाड़ी रमसाई 12 नंबर जर्सी पहने हुए और उसी के बदौलत पहला गोल इस 2021 में इस जय हिंद क्लब पेटकासा सुपर लीग में देखने को मिला है। और 14 नंबर जर्सी पहने हुए पाकुड़ की तरफ से जो ना बयार लिखा होगा बाहर रहे लड़ाई के ना थोड़ा होने थोड़ा तौल नहीं होगा तो उन से रस्सी है वहां पर आउट कीजिए वहां ऑडियंस के पीछे आउट कीजिए पीछे ले जाइए। हेलो टीम मैनेजर अयोध्या तीन पहाड़ आप यहां आएंगे आप बैठ कर ले कमिटी से ऑफिसर रेफरी के पास आप आ जाएंगे कमिटी के पास तोले पे क्वाडी टैलेंटेड कुड़ा बिना कुआ उनको ना कोई जेल जूता है कभी दया करते और टीम के मैनेजर अयोध्या अगर इसी तरह से और कोई खिलाड़ी अगर आपका खिलाड़ी अगर यहाँ कमिटी के साथ मिस बिहेव करेंगे तो ऐसे अवस्था में आपके टीम को निष्कासित कर दिया जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है आपके एक दो खिलाड़ी के वजह से आप अपने सभी टीम के कैप्टन और मैनेजर पहले ही आप अपने खिलाड़ियों को समझा करके रखें और विशेषकर फॉरनर खिलाड़ी उनके ऊपर आप लोग फोकस करेंगे और यही चीज हम लोग हमेशा कहते हैं कि लिमिट में ही हम लोग अगर फॉरनर को अगर इंक्लूड करेंगे शामिल करेंगे तो इस तरह का नौबत नहीं आएगा। और रन सेट है बॉल फिलहाल रमसाई एकमात्र गोल दागने वाले खिलाड़ी जबकि उनके पीछे लगे हुए थे जुगे कोड़ा और मौका बेहतरीन स्टीफन टुडू फिलहाल इस समय 11 नंबर जोन और अनिल पहाड़ की टीम को बेहतरीन अवसर मिला है फ्री किक के लिए लेकिन अच्छा बचाव अपन बाबू के द्वारा जुबई कोड़ा का आक्रमण गोल एरिया में ऑल व्हाइट में खेल रही टीम फिलहाल इस मैच में 1-0 से पीछे चल रही है। फिलहाल स्टेफन टुडू बहुत ही सुंदर गेंद को कट बैक किया। हेलो बोल नहीं रहेगा नेक्स्ट टीम का क्या प्रोग्रेस है बताइए जल्दी। एक टीम का रिपोर्ट हो चुका है नीम बगान दुमका ऑलरेडी वो रिपोर्ट कर चुके हैं त्रिदेव इस ऐसे अवस्था में आप लोग को बाहर कर दिया जा सकता है नहीं तो आपको फाइन लगेगी दया करते जहां की कोई पे बोलाओ कर बैरियर भीतर है तयम दे चेकिंग अवस्था रहे आप पे फाइन रहे हकदार को ही दड़िया करा हां दिना वॉलंटियर बिना पे थोड़ा होना रखा चला पे मैं चाहूंगा इस मैच पर
विगत वर्षों की तरह ही मेरे साथ कमेंट्री बूथ पर मेरे सहयोगी मेरे कलीग मिस्टर राजेंद्र हंसदा वो भी मौजूद है, मैं उनको स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ इस जय हिंद क्लब पेटासा के इस टूर्नामेंट की हर गतिविधि को बताने के लिए और यहाँ की एक एक चीज को बारीकी से लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ, आपका स्वागत है राजेंद्र हंसदा जी। बहुत ही बेहतरीन डिफेंडिंग कर रहे हैं, 5 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी, वो विदेशी मूल के हैं, लेकिन 12 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट का पहला गोल स्कोर वर्क करने वाले खिलाड़ी, वहां पर फ्लैग हवा में एक बार फिर से उठ जाएगा और द्वारा और पीला कार्ड यहां पर गोसिक को दिखाया गया है। तो ये किसी भी खिलाड़ी के लिए अच्छा संकेत नहीं है, अगर आपको एक बार पीला कार्ड किया प्लेसमेंट किया जा चुका है। देवू और बाबूलाल लॉन्ग रेंज से बहुत ही बेहतरीन शॉट, क्रॉस बार में टकराने के बाद बॉल वापस यहां पर, विक्टर का ये शॉट था और जिम्बाब्वे के लिए अपने देश से ये खेल चुके खिलाड़ी राइट विंग से एक बार फिर साइलम यहां पर डिस्टेंस को कम किया है, बॉल को अंदर धकेला है सिसई के लिए, लेकिन इस बार बॉल पोजिशन आसानी से गंवा देगी पाकुड़ की टीम। और विक्टर एक बार फिर से, विक्टर का मौका बहुत ही बेहतरीन यहां पर, क्या पास वहां पर निकाला है, देखना है क्या उनकी टीम वापसी के लिए, लेकिन सिटी बजी है नेक्स्ट मैच के लिए जिसका रिपोर्टिंग नहीं हुआ है। रिपोर्टिंग कीजिए तो सर भाई रिपोर्टिंग कीजिए, सीरियसली रिपोर्टिंग कीजिए, 11 मिनट पहले लाइनअप कराइए। अगला मैच जो होना है नीम बगन दुम का वर्ष हो गया है तीसरा गोल, तो मैं यहाँ राजेंद्र कह रहा था कि बहुत ही सुंदर और डिपेंडिंग चैंपियन जैसे टीम के विरुद्ध में 3 महत्वपूर्ण गोल से आगे होना, यह अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा अचीवमेंट एक तरह से, और कोई जल्दबाजी नहीं और कमाल का खेल खेला है पाकुड़ टीम के खिलाड़ी, और देखना है क्या एक गोल भी यहां पर वापस लेगी पाकुड़ की टीम, तो बहुत कुछ बचा हुआ इस मैच में। अगला मैच के लिए आपको बार बार कहा जा रहा है निम्बगन दुमका और त्रिदेव स्पोर्टिंग क्लब नेपाल, टीम मैनेजमेंट के एक मेंबर आके ये आप कंफर्म करा दें कि आप आ चुके हैं। सैंतन रॉय जो कि इस मैच के रेफरी हैं, बारी की नजर रखे हुए हैं सभी खिलाड़ियों पर और बहुत ही सुंदर निर्णय अभी तक रहा है। बहुत ही बेहतरीन इस बार मौका, लेकिन टीम के कैप्टन मनोज सोरेन का क्लियरेंस, इस बार मौका हो सकता है एक गोल मारने का, बाबूता के पास शॉट लिया लेकिन रक्षक पंती का अच्छा बचाव वहां पर, और कहीं ना कहीं एक बार फिर से मौका मिलता हुआ इस मैच में कुछ बढ़त को कम करने के लिए अयोध्या 3 पहाड़ की टीम। प्रोग्रेस रिपोर्ट दीजिए दोनों टीमों का। और निम्बगन दुमका के टीम फिलहाल वो समय पहुंच रहे हैं, निवेदन होगा त्रिदेव स्पोर्टिंग क्लब नेपाल से, कृपया आप भी अपने खिलाड़ियों के साथ रिपोर्ट करें और